नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गोमावा चौकी अंतर्गत बुधवार की रात युवा भाजपा नेता दुर्गेश सिंह का इंजन चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत दुर्गेश सिंह ने बुधवार को गोमावा चौकी पर लेकर पहुंचे तो वहां पर मौजूद एसआई एसआर यादव से नोकझोंक हो गई। दुर्गेश के मुताबिक एसआर यादव ने प्रार्थना पत्र लेने से मना कर दिया तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगभग एक घंटे तक हैदरगढ़ रायबरेली हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे शिवगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार विद्यार्थी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को शांत कर मामले को रफा दफा करते हुए एसआई को फटकार लगाई और जाम खुलवाया। रायबरेली से विजय कनौजिया की रिपोर्ट। भाजपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह फौजदार पहुंचे कामा, पालिका उपाध्यक्ष निहाल सिंह मीणा के निवास पर किया गया स्वागत सम्मान। जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल अध्यक्ष निहाल सिंह मीणा ने की कार्यकारिणी घोषित। किशोर तिवारी व उत्तम जैन बने महामंत्री, आमिर खान रिपोर्ट कामा। 5 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों को गंभीर कुपोषित, एनीमिया और जन्मजात विकृतियों की पहचान करने के लिए गांव-गांव में दस्तक अभियान चलाया जाएगा। यह दस्तक अभियान साल में 2 बार आयोजित होगा। आज पत्रकारों को जिला कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने जानकारी देते हुए बताया। मुरैना से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दस्तक अभियान जो है 10 जून से पूरे मध्य प्रदेश में शुरू होने वाला है। इसके तहत आज मुरैना जिले में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें योजना का जो मूल उद्देश्य है वो हम लोगों ने साझा किया। इसका मेन उद्देश्य ये है कि प्रत्येक घर में जाके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और ANM जाके बच्चों का स्क्रीनिंग करेंगे, देखेंगे कि बच्चों का हाइट, वेट, हेमोग्लोबिन ये सब सही है कि नहीं। अगर एनीमिक बच्चा निकल रहा है तो उसका प्रबंधन करना, अगर कुपोषित बच्चा निकल रहा है तो उसका प्रबंधन करना। इस समय बहुत ज़्यादा दस्त और उल्टी लगते हैं बच्चों को गलत खान पान की वजह से, और डायरिया के केसेस भी डिटेक्ट होते हैं, तो उन केसेस का भी प्रबंधन करना और ORS पिलाने का विधि बताना, घरों में ORS के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, विटामिन ए का घोल पिलाना, और जो बच्चों में जन्मजात कुछ डिफेक्ट्स होते हैं या विकृतियाँ होती हैं उन केसेस को आइडेंटिफाई करके उनका सर्जरी या जो भी उसका इंटरवेंशन होता है मेडिकल, उसको करके उन बच्चों को बैक टू नॉर्मल सी लाना, ये उद्देश्य। इसमें 236 लोगों की टीम बनाई गई है पूरे जिले में और 53 मॉनिटरिंग टीम्स या नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं जो जाके देखेंगे कि प्रत्येक गांव में ये काम सही से हो रहा है कि नहीं। और ये जो 53 नोडल ऑफिसर्स हैं ये उन ग्राम सभाओं में भी अटेंड करेंगे, जो इस पूरे एक ग्राम का जब पूरा स्क्रीनिंग हो जाएगा तो उस ग्राम पंचायत का फिर ग्राम सभा भी कराना है और ये ग्राम सभा अधिकारियों की उपस्थिति में होगी ताकि ये प्रभावी ढंग से की जा सके। कस्बा कामा के जीनियस पब्लिक माध्यमिक विद्यालय द्वारा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों में 10वीं कक्षा के परिणाम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए परचम लहराया। प्रिया गोयल पुत्री श्री भगवान दास गोयल ने 93.83% अंक हासिल कर कस्बे में नाम रोशन किया। वहीं तेजस्वनी कपूर पुत्र श्री कमल कपूर ने 92.83% अंक हासिल किए। कनक अग्रवाल पुत्री श्री कैलाश अग्रवाल ने 90.63% अंक हासिल किए। कामा से आमिर खान की रिपोर्ट। खंडवा जिला के आदिवासी विकास खंड खालबा की ग्राम पंचायत गौलखेड़ा के वन ग्राम रानी झिरी के भूमि, जिस पर वन विभाग की मनमानी से आदिवासियों की भूमि में वृक्षारोपण किया जा रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि हम आदिवासी उपरोक्त पते पर अपने पूर्वजों के समय से कृषि कार्य कर अपना भरण पोषण कर रहे हैं। हम आदिवासियों के पास अपने जीवन यापन करने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है और हम लोगों से हमारी भूमि छीनी जा रही है। हम आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है। प्रशासन से निवेदन है कि हम आदिवासियों के हित की रक्षा की जावे। भैया फॉरेस्ट वाला रोक दिया, मैं रोक दिया हमारा आपके इसमें रोपा लगाने का बोल रहे हैं उन लोगों। अच्छा, ये जमीन कब से जोत रहे हैं आप? ये तो हम क्या मालूम 4-5 साल पीढ़ी का, जाने कितना से जोत रहे हैं हम, आप भी जोत रहे हैं। पहली बार आपको रोकने के लिए बोला फॉरेस्ट में? हाँ पहले पहले बार बोला। अच्छा, फॉरेस्ट वालों को लगान के रूप में आप लोग कुछ वसूली देते थे? हाँ गल्ला मल्ला देता था हम, पैसे भी देते थे। हाँ पैसा भी पहले देता था। अच्छा, वो लिखित में रसीद वगैरह दी कि नहीं उन्हें आज तक? नहीं दिया। किस पद पे हो अभी रानी जीरी में? गाँव पटेल है। गाँव के पटेल,
अच्छा, आपके गांव की क्या समस्या है? हमारे गांव में क्या करा, आज तक पूर्व से जमीन जोतते जोतते लोग ना आ रहे। अच्छा, तो फॉरेस्टर स्थलाचार्य खुद को रोक दिया। क्यों रोक दिया? बोले हम रोपा पौधा लगाया गया इसमें, ये जंगल है, बोले जंगल के अंदर गाँव बसा है। अच्छा, तो ये गाँव तो कितने साल से बसा है? ये कहीं 3 पीढ़ी से बसा है, अंग्रेजों का जमाना से बसा है, कोई आज का गाँव नहीं। ये गांव है नया बस्ती तो है ही नहीं, जंगल तोड़ के नहीं जोता हम तो आबादन आबादी को इन लोगों ने तोड़वा दिया। गांव में आबादी होता है, अब बाड़ा है, कोई कचरा फेंकने का कुछ भी, सब अतिक्रमण करके पिलाव ला के रोपा लगा रहे हैं और घर बन रहे हैं। तो इनका बाल बच्चा क्या करेगा? जमीन छिन जाएगी तो बच्चे छिन जाएगा तो कहाँ भागेगा? चंबलांचल में बेटियों को उच्च शिक्षा और स्वच्छंद जीवन जीने का वातावरण प्रदान करने के लिए हम सबको मिलकर अधिक से अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। उत्कृष्ट विद्यार्थियों के सम्मान हेतु यह विशाल आयोजन शिक्षा को नई दिशा देने के लिए अपने आप में अनुकरणीय पहल है। यह विचार मुरैना कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने अशासकीय स्तर पर अम्बाह आयोजित विद्यार्थी सम्मान समारोह में व्यक्त की। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। और माननीय जी के सम्मान के लिए मैं हमारे डायरेक्टर सर, माननीय एसपी महोदय अशित यादव जी के सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रदीप शुक्ला जी, अंकित मिश्रा जी, अरविंद मावे जी को कवर कर ले। और माननीय अशी जो है वो उस जगह को कवर कर ले। पुराने जमीनी विवाद पर आरोपी गणों ने आधी रात के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक अधेड़ को घायल कर दिया है। जिला चिकित्सालय में घायल का इलाज किया जा रहा है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जगह ही हमारे बाप अपने बाप हमारे नाम है, बाबा कब्जा कर रहा है, वो कब्जा मैंने शायद कुर्बान कर ले कही है, क्योंकि तो मैं ये छोटे कहते हूँ सभी गोली चलेगी तो 4 घंटे सिंह ने अपने कही जादू ने कही क्योंकि सवेरे गोली चलेगी बेचे रहे हम अलग अलग छान में सो गए तो भैया मैंने कहा यार मरेंगे तो वहीं मरेंगे जी मोड़ नहीं तो हमारा बात होता तो मोड़ा थे घर भीतर जा सो हमें तो सवेरे रात के जाई को टाइम हो गोली चली मैंने कहा भैया कहा होगा मैं भैया बोली था गोली लगी थी मैंने इतने पत्थर फेंको फिर बिल लौट के वापस फेरो करो मैंने कहा मेरे पास जा तो कभी सुना इतने पत्थर हमें देते रहे उनको तिमोड़ने फेंके पत्थर फिर मैंने 4-5 फेर कर कर गोली दे जैसे 5 मिनट चल 5-6 लोग कि हाथ में दे भदोरी ने थोड़ी जमीन को जादू ने हम परिवार की नहीं है और परिवार की जैसे उनका भरी हुई जी भरी उतना ये रात के 3 बजे सवड़े के पास घर पे आगे सुबह के दो तो भयंकर है तीसरा फिर आगे चले रात में लगभग 10 बजे फायर करिए कि ये पीछे नहीं आए। सवलगढ़ थाने का मामला है, ये दो परिवार हैं जिनके बीच पहले से काफ़ी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उसमें पहले भी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ एफ आई आर करवाई गई थी। अभी कल रात की घटना है कि एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगी है, किन परिस्थितियों में गोली लगी है और उसकी हम जाँच करवा रहे हैं। एफ एस एल अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं और हम आगे विश्लेषण करते हैं।
राजपूत समाज ने जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। श्री महाराणा प्रताप राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के मौके पर गुरुवार को शहर के मुख्य मार्गों से विशाल चल समारोह निकाला गया। इसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में शस्त्र लिए सभी समाज के लोग एकत्रित हुए। इससे एक दिन पहले राजपूतों ने वाहन रैली निकाली थी। इस दौरान बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल हुए। गंज वासौदा से LN चौबे की रिपोर्ट। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।